हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्वल पाठक और आप इसे मेरा यूट्यूब चैनल पाइगुरु देख रहे हैं। ओके, लास्ट वीडियो में हमने बात की लिस्ट से रिलेटेड कुछ मेथड्स के बारे में, जिसकी मदद से हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को कुछ वैल्यूज़ ऐड या रिमूव कर सकते हैं। फाइनली हमने सीखा था कि हम किसी लिस्ट को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम लिस्ट से रिलेटेड कुछ और मेथड्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एंड मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको मेथड्स और फंक्शंस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बता सकूँ, ओके, क्लियर कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने ऑलरेडी तीन लिस्ट बना रखे हैं, एक वर्ड से लिस्ट, एक नंबर से, एक नम से। ये तीन अलग अलग लिस्ट हैं। ओके, वर्ड्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, नंबर्स में कुछ नंबर्स हैं, एंड नम्स जो हमारा लिस्ट है ये थोड़ा स्पेशल लिस्ट है। इसमें देखिए कुछ वैल्यूज़ रिपीट कर रही हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें चार तीन बार है, ओके, दो दो बार है, तो इस तरह से इसमें कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं एक एक करके इनके ऊपर कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है इंडेक्स मेथड। ठीक, तो अभी हम मेथड की बात कर रहे हैं, तो चलिए इंडेक्स मेथड के फर्स्ट मेथड हमारा इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड हमें किसी भी आइटम को इंडेक्स देता है। फॉर एग्जांपल मुझे सपोज कीजिए इस एलिमेंट जो ये कॉल आइटम जो है, मुझे इसका इंडेक्स चाहिए इस लिस्ट में से। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट टाइप करता हूँ प्रिंट वर्ड्स डॉट, देखिए लिस्ट का नाम डॉट क्या मेथड का नाम। तो मेथड हमारा क्या है, इंडेक्स मेथड। ओके, तो हम इंडेक्स कॉल करेंगे। इसमें आपको वैल्यू पास करनी होगी जिसका इंडेक्स आप चाहते हैं। मुझे कॉल का चाहिए, तो मैं जस्ट यहाँ क्या करता हूँ, कॉल टाइप एंड प्रिंट करता हूँ। देखिए यहाँ इसकी इंडेक्स आई 2। क्यों? अब हमें पता है क्योंकि इंडेक्स 0 शुरू होता है, तो 0 1 2। तो इस तरीके से आप इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे इसमें से मेरी थर्ड लिस्ट है नम्स 4, इसमें मुझे 2 का इंडेक्स चाहिए। तो ध्यान रखिए यहाँ पर दो बार 2 है, फर्स्ट एंड सेकेंड दो बार 2 है। तो चलिए इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, नम्स, ओके, नम्स इंडेक्स एंड मुझे चाहिए 2। तो ध्यान रखिए कि मेरा, देखिए इसमें दो बार 2 है लेकिन मुझे वो इंडेक्स मिलेगा जहाँ पर पहली बार 2 आया है। तो देखिए पहली बार 2 यहाँ पे है, तो मुझे ये वाली इंडेक्स मिलेगी। ओके, अगर मैं कंट्रोल बी करता हूँ, देखिए इसकी भी इंडेक्स 2 है क्योंकि 0 1 2, तो यहाँ पर 2 आया है, तो इसकी भी इंडेक्स 2 है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं एंड किसी भी आइटम का इंडेक्स जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये नंबर्स लिस्ट है, ओके, नंबर्स एंड मुझे 74 का इंडेक्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ टाइप करता हूँ 74 एंड रन करता हूँ। देखिए 74 का इंडेक्स है 8, कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका इंडेक्स इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की तरफ। अगला मेथड है हमारा काउंट मेथड। काउंट मेथड बेसिकली इस टाइप की लिस्ट के लिए यूज़ होता है जिसमें कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 3 बार आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर काउंट मेथड कॉल यूज़ करूँ, तो काउंट मेथड हमें गिन कर बताता है कि किसी भी लिस्ट में कितनी बार कोई एलिमेंट आ रहा है। ओके, तो चलिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट का नाम, देन काउंट मेथड कॉल करेंगे एंड इसमें आपको वैल्यू पास करनी होगी जिसको आप काउंट करना चाहते हैं। सपोज मैं 4 को काउंट करना चाहता हूँ, तो मैंने 4 पास किया। देखिए 4 3 बार आ रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 3 बार हमारे पास आ रहे हैं, तो काउंट होकर 3 आया। ओके, नाउ सपोज मैं 2 चाहता हूँ, 2 कितनी बार आया है, तो कंट्रोल भी करता हूँ। देखिए 2 2 बार आया है, कैसे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो इस तरीके से आप चीज़ों काउंट कर सकते हैं किसी लिस्ट में कोई नंबर या एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके, नाउ सपोज़ ये मैं वर्ड्स में चेक करना चाहता हूँ कि डॉल हमारा जो एलिमेंट है ये कितनी बार आ रहा है। ओके, देखिए डॉल एक बार आ रहा है सिर्फ यहाँ पर। तो ये है काउंट मेथड। काउंट मेथड से बेसिकली आप कोई भी एलिमेंट काउंट कर सकते हैं कितनी बार वो लिस्ट में है। ओके, देन हमारा थर्ड मेथड है सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड क्या करता है, किसी भी लिस्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। ओके, सॉर्टिंग के बारे में हम डिटेल्स में एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स वाले प्लेलिस्ट में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए जान लीजिए सॉर्टिंग क्या होती है। बेसिकली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अगर हम रख दें तो वो सॉर्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमारा लिस्ट है नंबर्स का, इसमें सारे एलिमेंट्स रेंडमली पड़े हैं, बट सपोज़ कि मुझे इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले 0 आए, फिर 3 आए, फिर 5 7, फिर 9 12 एंड देन इस तरीके से वैल्यूज आएँ। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट क्या करूँगा, अब देखिए नंबर्स यानी लिस्ट का नाम एंड देन मेथड का नाम, मेथड मेरा है सॉर्ट। ओके, मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट करने वाला हूँ अपने इस लिस्ट को, नंबर्स को। एंड अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, देखिए मेरी लिस्ट जो है ये सॉर्ट हो चुकी है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 3 5 7 9 12 32 34 34 56 56 74। ओके, तो ध्यान रखिए यहाँ पर दो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, 34 एंड 56, तो ये दो दो बार आए हैं। ओके, सिमिलरली सपोज कर कीजिए कि मैं नम्स को अगर सॉर्ट करना चाहता हूँ,
देखिए मैंने नम्स को यहाँ सॉर्ट कर लिया। सबसे पहले आया सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर मैंने नंबर्स को प्रिंट कर लिया इसलिए थोड़ा सा एरर आया। नम्स ओके, कंट्रोल भी करता हूँ। देखिए 1 2 2 3 4 4 4 5 6 7, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है मेरी ये लिस्ट। नाउ फाइनली सपोज कीजिए मैं वर्ड्स को सॉर्ट करना चाहता हूँ अपने वर्ड्स वाली लिस्ट को, एंड यहाँ पर प्रिंट करता हूँ वर्ड्स। देखिए ऑल बॉल कॉल्ड ऑल फॉल, एक्चुअली यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली चीज़ों को चेक किया जाता है, तो ये पहले ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आया। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर हॉल ऐड कर देता हूँ, हॉल ओके। एंड अगर मैं अब करता हूँ इसे, देखिए तो अब क्या होगा, ऑल बॉल कॉल्ड ऑल फॉल एंड लास्ट में हॉल, क्योंकि एफ़ के बाद एच, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर स्ट्रिंग है तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट होंगे, एंड अगर आपके नंबर्स हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे। ओके, होप सो आपको सॉर्टिंग समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मेथड के बारे में, जो है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या करता है, ये जस्ट लिस्ट को रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वर्ड्स लिस्ट है, इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर है हॉल ऑल बॉल कॉल डॉल फॉल, एंड मुझे इसको रिवर्स करना है, यानी फॉल है फिर डॉल है कॉल है बॉल है ऑल है हॉल है, तो मैं करूँगा इसको रिवर्स करूँगा। तो क्या करते हैं, वर्ड्स डॉट यानी लिस्ट का नाम एंड मेथड का नाम सॉरी रिवर्स, एंड फाइनली क्या करेंगे, अब हम प्रिंट करने वाले हैं प्रिंट वर्ड्स ओके। एंड अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि मेरी लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। देखिए तो ये उल्टी हो गई पूरी लिस्ट, फॉल डॉल कॉल बॉल ऑल हॉल ओके ठीक। तो इसी तरीके से आप सपोज कि नंबर्स को आप रिवर्स करना चाहते हैं, नंबर्स वाली लिस्ट को, तो आप मैं यहाँ आप नंबर्स प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल भी 56 34 32, देखिए पूरी लिस्ट जो है हमारी रिवर्स हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एंड किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं ओके। तो ये थी कुछ मेथड्स। नाउ देखिए मेथड्स होते हैं हमारे ये लिस्ट के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ हो रहे थे। देखिए सबसे पहले लिस्ट का नाम, फिर डॉट, फिर मेथड का नाम, तो इस तरीके से हम मेथड्स को यूज़ कर रहे थे। बट अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या होते हैं, इसमें हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते हैं ओके। तो इसमें हम डायरेक्टली सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, देन जिस भी लिस्ट को हमें अप्लाई करना है उस फंक्शन को, उसको लिस्ट का नाम लिखते हैं ओके। तो सपोज़ कि मैं अभी फंक्शन की जिस फंक्शन की बात कर रहा हूँ वो है लेंथ फंक्शन ओके। इसको यूज़ करते हैं लेंथ LEN के नाम से। लेंथ फंक्शन हमें क्या देता है, ये एक लिस्ट में कितने आइटम्स हैं सबकी काउंटिंग देता है ओके। फॉर एग्जांपल मेरे फर्स्ट लिस्ट में 6 आइटम्स हैं, तो अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट करना चाहूँ तो जस्ट टाइप करूँ लेंथ ओके। देखिए हमने पहले फंक्शन का नाम लिया, इसके अंदर जो भी लिस्ट हमें चाहिए उसका हमें लिस्ट का नाम प्रिंट करना है ओके। तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ वर्ड्स ओके। देखिए 6, इसमें 6 आइटम्स हैं तो यहाँ पर 6 प्रिंट हो गया ओके। नाउ सपोज मैं यहाँ नंबर्स करना चाहता हूँ, देखिए इसमें 12 आइटम्स हैं, एंड अगर नम्स करता हूँ तो इसमें 10 आइटम्स हो। तो इस तरीके से लेंथ मेथड हमें कितने आइटम्स हैं लिस्ट में ये हमें प्रिंट करके बताता है ओके। ऑप्शो आपको लिस्ट लेंथ फंक्शन समझ में आ गया होगा, ये आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी लिस्ट पे उसकी लेंथ जानने के लिए ओके। नाउ मैक्स फंक्शन, मैक्स फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे ये नंबर्स है, नाउ सपोज मैं चाहता हूँ इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस एलिमेंट की है, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट टाइप करता हूँ प्रिंट मैक्स एंड लिस्ट का नाम। मुझे नंबर्स में जानना है कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 74 जो कि यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप किसी लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये फाइंड कर सकते हैं। नम्स करता हूँ एंड सेकंड नम्स वाली लिस्ट में देखिए मेरे पे हाईएस्ट वैल्यू 7 है, तो ये 7 आया ओके। फाइनली अगर मैं वर्ड्स करता हूँ तो देखिए ये स्ट्रिंग्स पर काम नहीं करता, सॉरी यहाँ पर हुआ ये, इसको मैं क्या करता हूँ कंट्रोल भी करता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रिंट हुआ हॉल, ये हॉल किस लिए हुआ, क्योंकि सब हमने अल्फ़ाबेटिकली चेक हुआ A B C D F H, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी H की है इसलिए यहाँ पर हॉल प्रिंट हुआ ओके। तो ये अल्फ़ाबेटिकली चेक होता है, बाकी ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक होते हैं ओके। तो ये था मैक्स फंक्शन, इसमें हमें हाईएस्ट वैल्यू मिलती है। जो हम फाइनल फंक्शन है वो है मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन का अपोजिट है, इसमें हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। सपोज कीजिए मैं प्रिंट करता हूँ मिन, एंड इसमें मैं पास करता हूँ नंबर्स, तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 है, देखिए तो 0 प्रिंट हो गया। एंड सपोज़ कीजिए मैं अपना सेकंड थर्ड लिस्ट है जो हमारा नम्स, इस पर अगर कंट्रोल भी करूँ, सॉरी देखिए इसमें भी मिनिमम वैल्यू है
सॉरी मिनिमम ऑफ नम्स। यहाँ पर जीरो प्रिंट हो रहा है, ऐसा किस लिए है? चलिए इसके बारे में अभी लेटर डिस्कस करेंगे। जो हमारा फाइनल है वो है वर्ड्स, ओके वर्ड्स ऑल। देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू ऑल की है, ओके तो ऑल यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को सेव किया। एंड फाइनल अगर मैं नम्स करता हूँ, नम्स देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू है 1। एक्चुअली लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैंने इसको सेव नहीं किया था, इसलिए ये मुझे नंबर्स वाला बता रहा था 0। एंड अब मैंने इसको सेव करके रन किया, देखिए नम्स में मिनिमम वैल्यू 1 की है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ। तो ये थे लिस्ट से रिलेटेड कुछ और मेथड्स एंड फंक्शन जो हम लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस चैनल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।